आज की हिंदी व्याकरण क्लास में बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे ह और हैं का प्रयोग करना। जब मैं आपकी नोटबुक चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ आप है और हैं का सही प्रयोग नहीं करते और आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। ये गलतियाँ आपसे ना हो इसीलिए आज की वीडियो है, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। ये देखिए बेटा, पहले है जो लेफ्ट साइड है उस पर ध्यान देंगे। ये देखिए इसमें और राइट साइड जो है लिखा हुआ है दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि है में ह के साथ डॉट लगती है यानी कि अंक का बिंदु लगता है। ओके तो ये तो है मेन डिफरेंस बिंदु का बनावट वाला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक और डिफरेंस है वो है ध्वनि का। एक और अंतर किसका अंतर है? ध्वनि का। दोनों की ध्वनि भी यानी कि जो साउंड है वो भी डिफरेंट है, भिन्न है। जो लेफ्ट वाला है उसकी साउंड क्या है, और जो राइट साइड लिखा हुआ है उसकी साउंड है। इसमें हम ह पर ए की मात्रा और साथ ही अंक बिंदु का प्रयोग किया है। अब इन दोनों का अर्थ जान लेते हैं। है का मीनिंग होता है इज, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं इज, और हैं का मीनिंग होता है आर, हैं को इंग्लिश में आर कहते हैं, ठीक है बेटा। अब दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी जान लेते हैं। जो एक वचन वाले वाक्य होते हैं वहां पर हम है का प्रयोग करते हैं। है का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। और जो वाक्य बहुवचन वाले होते हैं उनमें हम है का प्रयोग करते हैं यानी कि डॉट वाले हैं का, ठीक है बेटा, जो राइट साइड लिखा हुआ है। इसके साथ ही हैं का है जो है वो आदर का भी सूचक होता है। तो जब किसी भी वाक्य में बड़ों की बात होती है या जिन्हें हम आदर देते हैं उनकी बात होती है तो भी हम हैं का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे दोनों को ही, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए पहला जो वाक्य है लेफ्ट साइड जो पिक्चर है उसको देखेंगे और लेफ्ट साइड जो वाक्य दिया गया है उसे रीड करेंगे। फूल पर तितली मंडराती है। अब देखिए इस चित्र में हमें एक फूल और एक तितली नजर आ रही है, इसीलिए जो देखो बच्चों जब एक फूल की बात हो रही है एक तितली की बात हो रही है तो ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं कि ये एक है यानी कि ये एक वचन है, और मैंने आपको बताया कि एक वचन के साथ हम है का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले पिक्चर देखिए, लेफ्ट साइड बच्चा खेल रहा है। आपने वचन तो किए ही हैं, एक वचन बहुवचन, तो आपको पता है कि कौन सा शब्द एक वचन है और कौन सा शब्द बहुवचन है, एक अनेक में ये सब आपने जाना था। तो बच्चा क्या है, एक वचन या बहुवचन? बच्चा जो है वो एक वचन है। तो ये जो वाक्य है ये एक वचन वाला वाक्य है, बच्चा खेल रहा, और एक वचन वाले वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं है, बच्चा खेल रहा है, ओके। अब देखिए राइट साइड जो पिक्चर दी गई है उनको हम देखेंगे। पहले ऊपर वाली पिक्चर देखेंगे, ऊपर वाली पिक्चर जो राइट साइड है। पहले चित्र को ध्यान से देखिए, अब वाक्य को पढ़ते हैं। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। अब देखो फूलों, यहाँ पर बहुत सारे फूल नजर आ रहे हैं, और तितलियां शब्द जो कि अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है, और अनेक यानी कि बहु,
यानी कि एक से ज़्यादा। तो ये बहुवचन वाक्य है और ऐसे वाक्यों के अंत में हमें हैं, डॉट वाले हैं का यूज़ करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए राइट साइड ही हम जो नीचे की साइड पिक्चर दी गई है उसे देखेंगे। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? बच्चे नज़र आ रहे हैं। क्या एक ही बच्चा है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। और ज़्यादा के लिए, बहु के लिए, अनेक के लिए, ऐसे वाक्य जो बहुवचन वाले वाक्य होते हैं वहाँ हम वाक्य के अंत में हैं का प्रयोग करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। ओके बच्चों, अब आपने देखा और पढ़ा कि पहले और तीसरे चित्र में एक फूल, एक तितली तथा एक बच्चा है। इसलिए ये जो शब्द हैं ये एक वचन है, क्योंकि ये एक का बोध कराते हैं, एक होने का ज्ञान कराते हैं। इसलिए ये शब्द जो हैं एक वचन है। और एक वचन वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंत में हम है लगाते हैं। लेकिन दूसरे और चौथे चित्र में अनेक फूल, अनेक तितलियाँ, अनेक बच्चे हैं। तो ये जो शब्द हैं तितलियाँ, बच्चे, ये हमें अनेक होने का बोध कराते हैं, अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। और ऐसे वाक्य जिन जो बहुवचन वाले वाक्य होते हैं जिसमें अनेक का ज्ञान होता है, उन वाक्यों के अंत में हम हैं का यूज़ करते हैं, डॉट वाले हैं का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, और एक और पॉइंट याद रखिए बेटा कि हैं जो है वो आदर का भी सूचक होता है। तो जिन वाक्यों में हम बड़ों की बात करेंगे, बड़ों का जिक्र होगा, वहाँ भी उन वाक्यों के अंत में भी हम हैं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको वर्कशीट सेंड की है। ये वर्कशीट जो है आपने पूरी करनी है और इसमें सही जगह पर है और हैं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वाक्य में एक वचन वाला शब्द आ रहा है या फिर बहुवचन वाला शब्द आ रहा है। अगर एक वचन वाला शब्द आ रहा है तो वाक्य के अंत में है लगाना है, और अगर बहुवचन वाला शब्द आ रहा है तो वाक्य के अंत में है लगाना है। ठीक है बेटा, तो पहला वाक्य है धोबी कपड़े धो रहा। अब देखो धोबी, धोबी शब्द हमें क्या बताता है? एक होने का ज्ञान कराता है या अनेक होने का? एक होने का ज्ञान कराता है। और जिन वाक्यों में जो वाक्य एक वचन वाले वाक्य होंगे उनके अंत में क्या लगाना है? तो यहाँ पर क्या आएगा? है सॉरी, ओके क्या आएगा? है, ह और ह के साथ ए की मात्रा है। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, मेज पर किताबें रखी। अब मेज तो एक होने का बोध करा, लेकिन किताबें, किताबें बहुवचन शब्द है। ठीक है, किताबें रखी तो यहाँ पर बहुवचन है, इसीलिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? हैं शब्द का। ठीक है, मेज पर किताबें रखी हैं। तो इस तरह से आपने है और हैं का इस्तेमाल करना सीखना है। जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना बेटा, जो कर्ता होता है, जिसके बारे में वाक्य होता है, हमें सिर्फ यही देखना है कि वो एक वचन में है, वो एक है या अनेक है। अगर कर्ता एक है तो है का यूज़ करना है, अगर कर्ता अनेक है, काम करने वाले अनेक हैं, तो हमें है का यूज़ करना है। ओके बेटा, नाउ रीड ऑल द सेंटेंसेस एंड फिल द डैशेस। पहले आपने सभी वाक्यों को पढ़ना है और फिर है और हैं लगाकर वाक्य को पूरा करना है। Do it by your own. Okay, done. Thank you. Bye-bye.
एंड हैव अ नाइस डे।